लगाया है मंदिर मुद्दे पर ध्यान न देने का आरोप। इस वक्त की एक बड़ी खबर, सरकार में रहते हुए बीजेपी ने मंदिर मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया है। साधु संतों ने सरकार पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि सरकार में रहते हुए बीजेपी ने मंदिर मुद्दे पर कोई ध्यान नहीं दिया। अयोध्या में गंदगी के अंबार को लेकर भी यहां पर साधु संतों ने नाराजगी जताई है। इस वक्त की एक बड़ी खबर नेशनल वॉइस पर, और 2021 में महाकुंभ को लेकर साधुओं ने चिंता जताई है। और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हरिद्वार से, जहां पर राम मंदिर को लेकर साधु संतों ने एक बैठक की है और कई गंभीर मुद्दों पर यहां पर चर्चा की गई है। हरिद्वार में कुंभ के कार्यों से असंतोष नजर आए हैं साधु संत। इस वक्त की एक बड़ी खबर नेशनल वॉइस पर, सरकार में रहते हुए बीजेपी ने मंदिर मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया है, ये साधु संतों ने कहा है। और अयोध्या में गंदगी के अंबार को लेकर भी यहां पर साधु संतों ने नाराजगी जताई है। और 2021 के महाकुंभ को लेकर साधुओं ने चिंता जताई है। इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर हरिद्वार में कुंभ के कार्यों से असंतुष्ट नजर आए हैं साधु संत। और राम मंदिर दोनों देश के लिए बड़े मुद्दे हैं, और राम मंदिर के मुद्दे पर बीजेपी सरकार में आई थी और इस मुद्दे पर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। राम मंदिर निर्माण दूर की कौड़ी यहां पर नजर आ रही है। अभी अयोध्या ही नहीं साफ हुआ है, और अयोध्या में लगा पड़ा है गंदगी का अंबार। वहीं 2021 में हरिद्वार महाकुंभ कार्य में देरी को लेकर साधु संतों ने चिंता व्यक्त की है। और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हरिद्वार से, ये बड़ी खबर है, जहां पर साधु संतों ने बैठक की है और बीजेपी पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। राम मंदिर को लेकर साधु संतों की ये बैठक आयोजित की गई थी। आपको बता दें कि ये हरिद्वार में बैठक आयोजित की गई, जहां पर जयराम आश्रम में भारत साधु समाज ने ये बैठक की है और सरकार पर मंदिर मुद्दे पर ध्यान ना देने का आरोप भी यहां पर साधु संतों ने लगाया है। और सरकार में रहते हुए बीजेपी ने मंदिर मुद्दे पर कोई ध्यान नहीं दिया है। अयोध्या में गंदगी के अंबार को लेकर भी यहां पर साधु संतों ने नाराजगी व्यक्त की है। और इस वक्त की एक बड़ी खबर नेशनल वॉइस पर, और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हिमांशु हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हिमांशु, यहां पर राम मंदिर को लेकर साधु संतों ने बैठक की है, कौन से ऐसे मुद्दे रहे जिन पर साधु संतों ने मंथन किया? देखिए मनीष, आपको बता दूं कि राम मंदिर निर्माण को लेकर जो देरी हो रही है, संतों ने उसको लेकर चिंता जाहिर की है जी। इसके अलावा हरिद्वार में जो महाकुंभ का आयोजन होना है 2021 में, उसकी तैयारियों को लेकर भी संत समाज खासा आहत नजर आया। जो तैयारी और व्यवस्थाएं अभी से जो धरातल पर दिख जानी चाहिए थी, वो उतनी तेजी से क्रियान्वित नहीं हो रही है, क्योंकि बड़ी संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार महाकुंभ के मौके पर पहुंचेंगे, लेकिन जो तैयारियां हैं उसमें प्रशासन ढीला रवैया अपना रहा है। तो उन तमाम चीजों को लेकर संतों ने आज नाराजगी अपनी व्यक्त की है, और जिला प्रशासन और राज्य सरकार और केंद्र सरकार से डिमांड की है कि जल्द जो हरिद्वार में महाकुंभ और जो हिंदुस्तान की जो आस्था का मुख्य केंद्र है अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर के निर्माण में भी जो देरी हो रही है, उसको लेकर उन्होंने अपने चिंता व्यक्त की है, और सरकार से भी इस पूरे मसले को लेकर अपना स्पष्टीकरण जल्द देने की बात कही है। और उनका कहना है कि अहमदाबाद में जल्द एक बड़ा भव्य संतों का एक सम्मेलन आयोजित कर आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की जाएगी, जिससे एक देश भर में संदेश देने की कोशिश की जाएगी सरकारों की, जो कि अभी जो चुनाव चल रहे हैं और 23 मई के नतीजों के बाद इस पूरे मसले को लेकर संत समाज एक बार फिर मुखर होने की रणनीति अभी से ही तैयार कर रहा है। जी हिमांशु, यहाँ पर अयोध्या में गंदगी के अंबार को लेकर भी यहाँ पर साधु संतों ने नाराजगी व्यक्त की है। देखिए, उन्होंने यही उनका कहना है कि सरकार भले ही जल्द से जल्द मंदिर निर्माण के दावे कर रही है, लेकिन स्थिति यह है कि अयोध्या में जो गंदगी है जगह जगह, उसको लेकर सवाल खड़े किए हैं कि जो व्यवस्थाएं अयोध्या में की जानी है, वो तक जो मूलभूत सुविधाएं हैं वही उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। शहर की जो रोजमर्रा की जो गंदगी है, वो समय पर व्यवस्थित तरीके नहीं उठ पा रही है। ऐसे तमाम चीजों को लेकर संत समाज ने अपनी नाराजगी व्यक्त की है, और जल्द राज्य सरकार और केंद्र सरकार से पूरे मामले में हस्तक्षेप कर इसका जल्द से जल्द निराकरण करने की मांग